उपायुक्त एवं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति मदन चौहान की अध्यक्षता में समिति की आम सभा की बैठक उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में शिवरात्रि 2017 की आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया और आगामी वर्ष महोत्सव के आयोजन पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने बताया कि हर वर्ष की भांति वर्ष 2018 में भी फरवरी माह में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 216 देवी देवताओं को मेले में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि मेले में आए देवताओं के ठहरने तथा उनके साथ आने वाले देवालुओं के भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी मेला समिति द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रदेश तथा अन्य राज्यों के सांस्कृतिक दलों सहित देश के प्रसिद्ध कलाकारों व विदेशी कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक ही सांस्कृतिक संध्या रात्रि 12 बजे तक आयोजित की जाएगी तथा अन्य सभी सांस्कृतिक संध्याएं रात्रि के 10 बजे तक आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त दोपहर के समय शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लोगों के मनोरंजन के साथ साथ खिलाड़ियों को भी अपनी खेल प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सभी शिक्षण संस्थानों तथा स्थानीय खेल संस्थाओं का सहयोग अपेक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि मेले के उपलक्ष्य में एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों से आह्वान किया है कि वे स्मारिका में अधिक से अधिक विज्ञापन प्रकाशित करने में अपना सहयोग दें। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, ताकि लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग जोन में किसी भी प्रकार की गाड़ियों के ठहराव की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मेला मैदान में सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए मैदान में अधिक से अधिक कूड़ादान लगाए जाएंगे। उन्होंने मेला समिति के सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि वे मेले की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। आज मंडी जिला के जो सबसे मशहूर हमारा इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला है, उसके ऊपर हमने जो है प्रथम बैठक की है, जिसमें सभी कम से कम यहाँ पे 150 लोग पूरे मंडी शहर की प्रबुद्ध जनता यहाँ पे प्रस्तुत थी और उपस्थित थी। बहुत सारे पॉइंट उसमें डिस्कस हुए हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल सुझाव जो है इन लोगों ने दिए हैं। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो सुझाव यहां पे वैल्यूएबल आए हैं उनके ऊपर जो है बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा। प्रशासन इस मेले के बारे में बहुत संजीदा है और हम चाहते हैं कि इस बार जो 2018 का शिवरात्रि इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला होगा वो बहुत अलग होगा, बहुत अच्छी किस्म से इसको जो है मनाया जाएगा। और बैठक बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही है। लोगों ने गुजारिश की है कि हम जो है सब कमेटी जिसकी कॉन्स्टिट्यूट करें, डिटेल जो एक एक चीज के बारे में डिस्कशन होगा वो सब कमेटी में किया जाएगा। सब कमेटीज जो है तुरंत प्रभाव से बना दी जाएगी और मेले की प्रक्रिया जो है अब इस बैठक के साथ जो है वो आरंभ हो जाती है। मैं मंडी की पूरे मंडी जिला की जनता से आग्रह करूंगा कि इस मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें। प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चलेंगे और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि बहुत अच्छा मेला हम प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है। सर इसके ऊपर जो है अभी सबके सुझाव तो यही आए हैं कि भी पेट्रोल ग्राउंड में होना चाहिए, तो जल्दी फैसला ले लिया जाएगा इसके। बैठक में जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर, नगर परिषद की अध्यक्षा पूनम शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त अश्विनी कुमार, उपमंडला अधिकारी सदर पूजा चौहान सहित समिति के अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारी साधारण सभा हुई, जिसको अध्यक्षता हमारे माननीय उपाध्यक्ष मदन चौहान जी ने की। हमारा इस बैठक में जो मेन मुद्दा था वो शिवरात्रि को चलाने का था। आगामी शिवरात्रि 2018 में जो आ रही है उसको जो मेले का आयोजन, जैसे हमारे प्राचीन मेले परंपरा से चले आ रहे, ये भूतनाथ का जो मेला था इसमें अभी सौंदर्यीकरण किया गया, तो जो समतल जगह थी जहां देवी देवता बैठते थे वहां देवताओं को बैठने के लिए थोड़ा सा अड़चने आएंगी, उसमें हमने सुझाव रखा।
और माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि इसके बारे में हम उपस्थिति में बैठक में निर्णय लेंगे। दूसरा, हमारा देव सदन का कार्य जिसके लिए आज एक साल हो गई, 7 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है और पीडब्ल्यू विभाग को दे दिया गया है, और अभी कार्य बड़े धीमी गति से चला हुआ है। इसके लिए हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि इसको शीघ्र चलाने की कोशिश करे ताकि जनताओं को ठीक ठा सके। तो हमारा जो देवी देवताओं का विवरण है वो कहीं भी मंडी किसी प्रशासन के पास नहीं है, ना इसकी हिस्ट्री का पता है। तो हमने एक सामारिका तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी देवी देवताओं का विवरण होगा, और उसके लिए हमने प्रशासन अनुरोध किया कि इसके लिए शिवरात्रि जो फंड होता है उसे खर्च किया जाए। दूसरा, हमारे देवी देवता 128 किलोमीटर से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो उनका जो मानदेय है बहुत कम है और वहां पारदर्शिता लाने की जरूरत है, क्योंकि यह देखने में आया है कि जो देवता 50 किलोमीटर से आ रहा है उसको 35,000 दिया जा रहा है और जो देवता 128 किलोमीटर से आ रहा है उसको 20,000 दिया जा रहा है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने सुझाव रखा।